हिमाचल प्रदेश में ये जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हैं ये जबरदस्ती हिमाचल प्रदेश की इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के ऊपर थोपे गए हैं। और उसका सीधा सा कारण है कि इनको लोगों ने निर्दलीय विधायक जब चुना था तो इनको क्या आवश्यकता आन पड़ी कि ये रिजाइन करते, फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते, फिर दोबारा से ये चुनाव के लिए आते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अननेसेसरी जो बोझ है वो इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता के ऊपर जो है वो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर लादा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मातृशक्ति है और जो कर्मचारी वर्ग है, मातृशक्ति को हमने अपनी गारंटी 1500 रुपए जो थी वो पूरी करी है। और मैं कहता हूं कि मातृशक्ति इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का साथ अवश्य देगी और हम अवश्य चुनाव जीतेंगे। और जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग के लिए जो ओपीएस का मुद्दा जो हमारा था हमने वो लागू किया है, तो कर्मचारी वर्ग भी निसंदेह जो है वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के समर्थन में है। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त की राजनीति करती आई है, कोई तो कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन लोगों ने ली, कोई तो इनके अंदर कोई ना कोई बातचीत है, कोई ना कोई इनके मध्य भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो सार्वजनिक होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता और ये 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता जो है वो जानती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो 3 विधानसभाओं के अंदर जो है वो कांग्रेस का समर्थन करेगी और निसंदेह कांग्रेस पार्टी जो है 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीतेगी। धन्यवाद।